हेलो एवरीवन, फियोना बुटीक में आपका स्वागत है। और आज मैं बेबी जंप सूट का ड्राफ्ट आपको दूंगी। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, पसंद किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, जंप सूटों में आपको दो पार्टों में बताती हूँ। इन दोनों को जोड़कर फिर इसमें एक इलास्टिक डाल देते हैं। टॉप है ये, टॉप में नाप तीन नाप लेते हैं, लंबाई 8 इंच, शोल्डर 8 इंच, छाती 20 इंच। अभी हम जो डबल कपड़ा लेंगे वो हम लेंगे 14 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा। ये डबल कपड़ा लेंगे, फिर उसको जब हम फोल्ड करेंगे तो वो 7 इंच चौड़ा हो जाएगा और 8 इंच लंबा। अब देखिए, ए से बी और सी से डी, ए से बी और सी से डी 8 इंच लंबाई, ए से सी और बी से डी 7 इंच, क्योंकि हम 14 इंच को फिर डबल करेंगे तो ये 4 तह है हमारी। हाँ, ये लिखा हुआ है मैंने, 4 तह है, तो ये हमारी हो जाएगी 7 इंच की चौड़ाई, कितनी हो जाएगी 7 इंच। अब हम इसमें लेंगे शोल्डर, ए से एफ शोल्डर, शोल्डर का आधा माइनस 1 इंच बराबर 3 इंच, क्योंकि शोल्डर का आधा होएगा 4 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि हमें ये स्टेप वाला टॉप बनाना है। अगर हम पूरा 4 लेंगे तो शोल्डर नीचे गिरेगा, इसलिए हम 1 इंच माइनस कर देते हैं। अब ए से ई, ए से ई हमारी गले की क्या है चौड़ाई, ये छाती का 10वां भाग होता है, तो ये हमारा आ गया 2। ई से एफ, सॉरी ए से ई, ए से आई, ये हमारी हो गई, ए से आई ये हमारी गले की नीचाई हो गई, ये भी छाती का 10वां भाग लेंगे 2 इंच। अब ई से एफ, ई से एफ यहां हम 1 इंच लेंगे, ये यहां हमें स्टेप लगानी है, हमारा ये कंधा आएगा, ये स्टेप आ जाएगी। अब ए से आई, ए से इसे, हाँ ए से आई, ए से आई ये हमारे गले की नीचाई मैंने बताई आपको, ए से ई, ए से ई ये भी आपको गले की गोलाई, इसमें आई से लेते हुए ये गोलाई करेंगे। अब हम लेंगे एफ से जी, ये हमारा क्या है मुड्ढा है, ये हमारा मुड्ढा है, ये हम लेंगे छाती का 10वां भाग माइनस 1 प्लस 1 इंच, जो छाती का 10वां भाग है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये 3 इंच आ जाएगा, 3 इंच का मुड्ढा लेंगे। अब जैसे के, जैसे के ये छाती का भाग है हमारे, यहाँ लेंगे हम छाती का 4वां भाग, 20 का 5 आ गया, अब उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.5। बी से डी ये हमारी कमर है 7 इंच की, के से और डी को हम क्रॉस में मिला देंगे, क्योंकि यहाँ गैदर्स आएंगे इसलिए यहाँ ऐसे गैदरिंग आएंगी इसलिए यहाँ इसको क्रॉस में मिला देंगे। ये हमारा टॉप का ग्राफ है, और जो ये मैंने डॉट्स लगा रखी हैं, ये हमने सिलाई का हिसाब मार्जिन दिया है, मैंने इतनी सिलाई करनी है हमें, क्योंकि हम इसमें फोल्ड करेंगे ना तो इतनी चौड़ी सिलाई आएगी। ये हमारा टॉप का ड्राफ्ट हो गया। अब मैं आपको लोअर का ड्राफ्ट बताती हूँ। लोअर में सिर्फ एक ही नाप लेते हैं, हिप का नाप, ये आपको मैंने चड्डी में भी एक ही नाप लेते हैं, ब्लूमर में एक नाप लेते हैं, सब में एक ही नाप लेते हैं 20 इंच का। ये भी 4 तह हैं, तो हमारा ए से बी, पहले हम लंबाई लेते हैं ए से सी और बी से डी, ये हमारा होगा हिप का आधा, 20 का आधा करेंगे तो 10, ये हो गया हमारा 10। अब ए से बी और सी से डी, हिप का आधा माइनस 1.5 इंच, इसमें 1.5 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट नहीं लगनी है इसमें इलास्टिक, क्योंकि हम इससे ही अटैच करेंगे, इसलिए ऊपर हम मार्जिन नहीं लेंगे, सिर्फ नीचे मोहरी का मार्जिन लेंगे हम, तो ये हो गया हमारा 8.5 इंच। अब आई से बी और ई से एफ, ये आई है, आई से बी और ई से एफ, ये लेंगे हम 1.5 इंच, ये और ये दोनों बराबर लेंगे।
अब आई से ई ये हिप का तीसरा भाग होएगा, ये हमारा होता है आसन, आसन होता है। अब हम इसको ये पूरा एक बॉक्स बना देंगे इस तरह से। अब जब ये कोना है यहाँ से एक इंच लेंगे और एफ को गोलाई करते हुए एक इंच को से मिलाते हुए और आई तक ले जाएंगे, ये हमारी आसन की गोलाई हो जाएगी। क्योंकि एक इंच से ज्यादा करेंगे तो भी फिटिंग नहीं आएगी और एक इंच से कम करेंगे तो भी फिटिंग नहीं आएगी। एक इंच का जो एवरेज होता है ये एकदम परफेक्ट एवरेज होता है। अभी हमारा आ गया, ये मैंने बताया एक इंच। अब जे से जी ये हमारी मोरी है 7.5 इंच। जब हमारी मोरी को बाहर खोलते हैं तो इसे क्रॉस में निकलती है। और ये हमारा हो गया लोअर का ग्राफ। जो हम ये कमर में इलास्टिक डालेंगे वो 15 इंच की डालेंगे। इन दोनों को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारी 15 इंच की इलास्टिक डलेगी गोलाई में। ये हमारा जंप सूट का ग्राफ हो गया। इसको हम 2 महीने से लेके और 8-10 महीने तक, 1 साल तक भी बहुत कंफर्टेबली पहना सकते हैं। बाकी तो बच्चे की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा आगे पीछे हम कर सकते हैं बॉडी को देखते हुए। ये है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ये मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दूंगी, जिससे कि आप कहीं भूल भी जाएं तो डिस्क्रिप्शन देखकर उसको पढ़ सकें। प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन बजाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, मुझे एनकरेज करने के लिए। धन्यवाद।